आज के फनकार। आप सभी को रेनू बंसल का नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी कलाकार की जिसे अपने पहले ही रोल से फिल्मों में ऐसी शोहरत मिली जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। छोटी ही उम्र में बड़ी उम्र के ऐतिहासिक किरदार को अंजाम देकर बड़ी सफलता हासिल करने वाली ये अभिनेत्री है रोहिणी हत्तंगड़ी, जिन्होंने फिल्म गांधी में कस्तूरबा यानी बा का रोल निभाया। 27 साल की उम्र में मैंने 27 से 74 साल की कस्तूरबा की थी। गांधी फिल्म में काम करना मेरे लिए महत्वपूर्ण अनुभव रहा है। उन लोगों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया। उनकी डिसिप्लिन, उनका काम करने का तरीका अनोखा ही है। एक दिन मुझे 5 मिनट लेट हुआ मेकअप के लिए, तो फोन पर बुलावा आया। खैर, रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी 1983 में आई थी। इसके अगले ही साल यानी 1984 में रोहिणी के लिए एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आया जब महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म सारांश के लिए अप्रोच किया। सारांश फिल्म के वक्त महेश भट्ट साहब ने मुझे पूछा तो बूढ़ी का रोल है, इसलिए मैंने बिना हिचकिचाए ना कह दी। फिर भी महेश जी के लाख समझाने के बाद मैंने रोल करने के लिए हामी भरी और आज सारांश मेरी सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। आइए उसी का गाना सुनते हैं। अंधियारा गहराया सूना बन गिर आया, घबराया मन मेरा, क्यों हो तुम यो गुमसुम, किरणों को आने दो पत्थर की आंखों।
सारांश बहुत संवेदनशील फिल्म थी जिसमें रोहिणी हथंगड़ी के साथ वृद्ध पति का रोल किया था अनुपम खेर ने। आत्मा से तो है, बहुत सुखी है। स्वामी जी मिले थे उसे अंतर्मन से, बहुत कुछ पूछा था उससे। नास्तिक थे, नास्तिक ही रहोगे। अजय आएगा हमारे जीवन में फिर से, पुनर्जन्म होगा उसका। स्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, मेरे मन का विश्वास है, एक बार तुम मेरे विश्वास पे विश्वास करके तो देखो। उन्होंने ठीक ही कहा था, अजय का पुनर्जन्म होगा, जल्दी है, हमारे करीब। तुम सुन रहे हो, यहाँ हमारे अजय के अपने कमरे में इस लड़की के कोख में एक बच्चा पल रहा है। और कौन हो सकता है, हमारा अजय ही तो है। वो वापस आ रहा है, उसे दोबारा मत मरने दो। हमें उस बच्चे को बचाना है, हमें अजय को बचाना है। तुम और मैं अजय के पैदा होने से पहले नहीं मर सकते। तुम कुछ समझ रहे हो, अजय आ रहा है, अजय आ रहा है। रोहिणी हथंगड़ी ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके करियर की शुरुआत इस शानदार तरीके से होगी। हालांकि अभिनय का बीज बचपन से ही उनकी रग रग में पनप रहा था। पैदाइश परवरिश मेरी पूना की ही है और ग्रेजुएशन में पूना में ही किया। तो स्कूल में थी जब मैं, तब काफी कुछ किया करती थी पढ़ाई के साथ साथ। मैं थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेल चुकी हूँ पूना यूनिवर्सिटी के लिए। NCC में थी और डांस भी सीखी हूँ, भरतनाट्यम और कथकली।
मेरे गुरु प्रोफेसर सुरेंद्र वड़गांवकर, जिनका पूना में क्लास था, तो बचपन से उनके पास मैं सीखी हूँ। असल में मुझे ये सारा जो मिला मेरे पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी रंगमंच पे काफी व्यस्त हुआ करते थे और उनसे ही पहला पाठ अभिनय का या थिएटर का, रंगमंच का पहला पाठ मैंने उन्हीं से लिया है। शुरू तो चिल्ड्रंस थिएटर से ही किया। जब मैं 6 या 7 बरस की थी, फर्स्ट में थी शायद मैं, एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मैंने हिस्सा लिया था और उसमें मुझे ये जो मच्छी वाली होती है ना, कोळीण मराठी में कहते हैं, उसका मैंने फैंसी ड्रेस किया था। अब स्टेज पे मैंने चक्कर लगाया, सेंटर में आके खड़ी हो गई और मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलने वाली हूँ, तो मैं ऐसे ही खड़ी रही और फिर वहां से चली आई। बचपन में स्टेज पर अपना रोल भूलने वाली रोहिणी हथंगड़ी ने जब रंगमंच और फिल्मों में कदम रखा तो उनकी ट्रेनिंग इतनी पुख्ता थी कि उनके द्वारा निभाए किरदार लोग कभी नहीं भूलते थे। देखो बेटी, जो कुछ भी हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन अगर बात बढ़ गई तो राकेश की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बीवी है, बच्चा है, सोच समझ कर जवाब देना पुलिस को बेटी। अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है। यूं तो रोहिणी हथंगड़ी का हर किरदार काबिले तारीफ है, लेकिन उनकी एक फिल्म आई थी अर्थ, जिसमें वो घरेलू काम करने वाली एक ऐसी महिला बनी थी जिसका सपना है कि उसकी इकलौती बच्ची अंग्रेजी स्कूल में पढ़े ताकि उसे भी बड़ा होकर उसके तरह घर घर काम न करना पड़े। फिल्म अर्थ में रोहिणी हथंगड़ी पर कोई गाना तो नहीं फिल्माया गया, लेकिन इस फिल्म के सभी गाने मकबूल हुए। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, एक लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई। आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है। तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता है। जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। रोहिणी
रोहिणी हटंगड़ी की एक और काबिले तारीफ फिल्म है, वो है चालबाज, जिसमें उनका कॉमिक कैरेक्टर है। फिल्म चालबाज सीता और गीता का रीमेक है। सीता और गीता फिल्म में ये रोल मनोरमा ने निभाया था, जो चालबाज में रोहिणी हटंगड़ी पर फिल्माया गया। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया, ढूंढो मुझे, मैं कहीं खो गया, मैं भी कहीं खो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन, अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बज गई, अरे रर मुझको संभालो मैं चला, गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, अरे रर मुझको संभालो मैं चला, रोक सको तो रोक लो ओ सालो मैं चला, हो गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बज गई, चली तू, अरे लौट के आ जा, अरे रुक जा पगली, हो गड़बड़ हो गई, अरे
बच गई। अरे अपना ना जलूस तुम निकालो मैं चली। गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बज गई। अरे गड़बड़ हो गई, अरे दिन तिनक दिन। अरे सीटी बज गई, ओ गड़बड़ हो गई। रंगमंच, मराठी फिल्में और हिंदी फिल्मों का रोहिणी हथंगड़ी का सुहाना सफर जारी है। उनके कुछ मुख्य पड़ाव हैं घातक, लज्जा, हम हैं प्रेमी, लिटिल सोल्जर्स, वीरगति, गैम्बलर, दामिनी, रात, अग्निपथ, क्रोध, चालबाज, लड़ाई, गैरकानूनी, हीरो हीरालाल, तमाचा, शहनशाह, आकर्षण, ठिकाना, जलवा, अंजुमन, प्रतिघात, धर्माधिकारी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अकेले हम अकेले तुम और मुन्ना भाई MBBS। हो गई बाबू 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 सुबह, हो गई बाबू बाबू रे मामू, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे। कितने सिक्के जोड़े सबको ये चिंता है, जीवन है एक बैंक पल पल को गिनता है। कितने सिक्के जोड़े सबको ये चिंता है, जीवन है एक बैंक पल पल को गिनता है। देखो अपने प्यार की दे देंगे जवा, हो गई मामू सुबह, हो गई मामू 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 सुबह, हो गई मामू मामू रे मामू। कैसे हंसते जाए जब कोई रोता है, किसी का दिल जो तोड़े कैसे वो सोता है। कैसे हंसते जाए जब कोई रोता है, किसी का दिल जो तोड़े कैसे वो सोता है। हाँ मैं तेरे आंसू पोंछू, अरे रुमाल देना मामू। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। रोहिणी हटंगड़ी के चाहने वाले ये तो जानते हैं कि वो पुणे से हैं, वो पली बड़ी भी पुणे की हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई है। 1971 में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया और उसके बाद से रंगमंच और फिल्मों में आज तक हमारे साथ हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद थोड़े दिन वो रेडियो से भी जुड़ी रहीं और ख़ास तौर पर पुणे विविध भारती से। मेरे ग्रेजुएशन के बाद पूना बी पे विविध भारती पे अनाउंसर के तरीके से काम किया। हमारा जो ओपनिंग होता था वो कुछ इस तरह होता था कि 309.3 meters कि 970 kilohertz वर हे आकाशवाणीचं पुणे ब केंद्र आहे। रोहिणी जी ने जितने दिन विविध भारती पर काम किया उन्होंने अपना काम बहुत एंजॉय किया और हमने एंजॉय की उनकी फिल्में। अब वक्त आ गया इजाजत लेने का। आज का ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज
आज के फनकार।